आज तक डिजिटल ब्रेकिंग। बीजेपी एमएलए ने खुलेआम गांव वालों को धमकाया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी एमएलए नितेश राणे फिर चर्चाओं में है। नितेश राणे ने गांव वालों को ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान धमकी दी है। नितेश राणे ने नंदगांव में एक चुनावी रैली में कहा कि सरपंच मेरी पसंद का नहीं हुआ तो सरकारी फंड से एक पैसा नहीं मिलेगा, इसे धमकी समझो या कुछ और, मेरा हिसाब साफ है। इस रैली के समय गांव वाले और सरपंच वहां मौजूद थे। बड़ी खबर, बीजेपी एमएलए नितेश राणे ने गांव वालों को धमकी दी है और कहा है कि सरपंच मेरी पसंद का नहीं हुआ तो सरकारी फंड से एक पैसा नहीं मिलेगा, इसे धमकी समझो या कुछ और, मेरा हिसाब साफ है।